परम गुरु राम मिला मनहार। गीता राम जी महाराज ने अपने शिष्य को भगवत साक्षात करा दिया। कब आज उन्होंने कहना माना, सेवा की थी, गायों के गोबर चुनते थे, गोबर उठाते थे, गायों को चारा डालते थे, साथ ही साथ में आश्रम का काम भी करते थे। करते करते 12 वर्ष बीत गए। उसके बाद में गुरु मंत्र दिया, केवल गुरु मंत्र नहीं दिया बल्कि भगवत साक्षात करा दिया। एक ही सेकंड में 12 साल की कमाई का परिणाम तक्षण प्राप्त हो गया। इस प्रकार से शिष्य आवे सेवा करे। आज के जमाने में जो आते हैं दुनिया से हारे हुए आते हैं, हार जाते हैं, घर में बनती नहीं है, विवाद है, अर्थ का अभाव है, धन नहीं है पास में, गरीबी है, या शादी है, औरत के ऋण के बनती नहीं है तो औरत को छोड़ करके बनते हैं, तो ऐसे लोग साधु बनते हैं, फिर वो खरे नहीं उतरते, फिर वो वैसा ही होता है और ज्यादा ऐसे ही बन रहे हैं। बाल्य अवस्था में जो बन जाता है वो ठीक है, उसके घर अच्छे समृद्ध हैं तो अच्छे संस्कार करते हैं, संस्कार देते हैं, उन अच्छे संस्कारों के कारण वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। चाहे संत हो चाहे गृहस्थी हो, गृहस्थी राम राम करता तो वो भी संत ही है, साधना करने वाला, उसमें कोई बात नहीं। गृहस्थी में फिर भी नम्रता रहेगी, नहीं भाई अपन गृहस्थी है। तो कहने का मेरा भाव ये, महाराज में कितनी दीनता और नम्रता थी दरिया सामने। विष छुड़ा भी चाय कर अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित कीजिए, उन संतन का साथ, उस संतन का साथ करे, उन संतन के साथ से फिर क्या होगा, उन संतन के साथ से जीवना पावे जख, दरियाए से साधु के चित चरणा में रखे, चित चरणा में रखे। दरिया साहब कहते हैं उन संत का संग करने से क्या परिणाम मिलेगा, उन संतन के साथ जीवड़ा पावे जग, जीवन आराम मिले, संतुष्टि वा मिले, संतोष आवे जीवन में, किसी प्रकार का क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भार नहीं, हल्का हल्का पलका जीवन, पर प्रभु में लगा रहे, राम राम होता रहे, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्व संतो निरामय, ये भी भावना बनी रहे। ऐसे संत के चित चरणों में रख, दरिया साहब कहते ऐसे सदगुरु के संत के चरणों में चित्त को रखे, मन को, चित्त का चिंतन। कई कहते हैं ये कोई बुढ़िया आई और कहने लगी, बाबजी मैं आपको याद करती हूं, बहुत याद करती हूं मैं आपको। मैंने कहा क्यों, क्या होता है? अरे मैंने कहा भाई याद तो राम जी को कर, गुरु को तो 24 घंटा में एक बार नमस्कार कर लो, फिर भजन करो, गुरु ने क्या किया वो करो, गुरुदेव कहते राम राम करो, ठीक चिंतन होता है अच्छा, नहीं की अपेक्षा भगवान का चिंतन नहीं, गुरु का चिंतन भी कम नहीं है, लेकिन चिंतन राम राम का करे, राम का ध्यान करे, गुरु ने जो बताया वैसा ही करे, ये गुरु आज्ञा का जो पालन है वही सच्ची गुरु सेवा है। जैसे ने तथा हयगवान राजन पूयते तप्यादिवी, यथा कृष्ण अर्पित पान प्राण स्थित पुरुष सेविया, सभी प्रकार के पापों का प्रायश्चित जो है गुरु सेवा से हो जाता है, राम नाम से हो जाता है। दो ही उपाय बताया शास्त्रों में, सदगुरु सेवा और नाम, राम नाम जाप, दो साथ में चले, दो धारा, तब तो बेटर है बहुत ही।
नहीं तो कम से कम एक धारा चले तो कल्याण तो हो जाएगा, एक धारा चले तो भी ठीक। गुरुदेव के हुए बिना परमात्मा का नहीं हो सकता कोई भी। गुरुदेव का होने का मतलब क्या है? गुरुदेव का होने का मतलब गुरुदेव की आज्ञा का पालन, गुरुदेव की आज्ञा क्या, राम राम करना, यही तो है, राम राम करना। राम राम करोगे तो गुरु की सेवा हो गई, नहीं भी ठीक है बढ़िया। उन संतन के साथ से तो जीवड़ा पावे जख, दरियाए से संत के चित चरणों में रख, अमृत देवे हाथ। बड़ी महनागरी पान देशांतर जाए, जो बेछु के बेलड़ी पान वहां बिनसा, पान वहां बिनसा। दरिया सा उदाहरण दे रहे, नागर बेल का, नागर बेल वो पत्ते जो होते हैं उसमें मुसाला लगा करके लोग खाते हैं, दुकानों पर भी जगह जगह है दुकानें होती पान की, तो पान जो है दूर देशांतर चले जाते हैं, हजारों किलोमीटर तो भी वो हरे होते, पत्ते हरे रहते हैं कई दिन तक। बेल का जो तना है जहां पौधा खड़ा है, वो पौधा पान को रस दे रहा है, तभी तो पान टिका हुआ। ऐसे कई रसदार फल, ऐसे कई रस लेने वाले वृक्ष हैं, अलग अलग उनके नाम है। जैसे बड़ला देख लो आप, बड़ला जो होता है वट, छोटे वट 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 वृक्ष भी कहते हैं। बड़ले की डाली 10 दिन आप रख लो कहीं ऐसे ही पड़ी है वो, और फिर कीचड़ में जहां लगाना उसको लगाओ, धीरे धीरे वो हरी हो जाती, उसका बड़ला बन हो जाता, बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। अपने वहां गौशाला में है, डाली ला करके तोड़ करके फिर लगाई गई, सूखी थी, सूखी से गीली हो गई, देखो आप सूखी लकड़ी, विचित्र बात है ये। उसके अंदर ये तत्व अट्रैक्शन, आकर्षण करने का। अब विचार करें, आज विज्ञान का युग है, विज्ञान इतना बढ़ गया है, जो सैटेलाइट ऊपर कितना ऊपर है, हजारों किलोमीटर ऊपर है सैटेलाइट, ये जो आवाज है सैटेलाइट पर जाएगी, तुम सब दिखाई दोगे, दिखाई देगी, आकाश में चले जाओगे तुम लोग, जो हवाई जहाज में भी नहीं जा सकता ऐसी जगह। विचार है सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, परमात्मा जाने। इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा ये क्यों लोगों को कब तो आकाश में जाएगी, विमान आएगा बोला क्या, मतलब टीवी में आने लगोगे, यहां बेटी दिख रही हो ऐसे टीवी में दिखोगी। इसलिए देखो कितने लगा, कितना काम करना पड़ता, कितनी व्यवस्था करनी पड़ी, तब जाकर ये काम होता। बोलो राम, कितनी दूरी से ये फोटो आता टीवी में, कोई तार नहीं बीच में, कुछ भी नहीं, आकाश में ऐसी परतें हैं ऐसी, और सूक्ष्म बहुत, अपने आंखों से नहीं दिखाई देती, धागों की छोट पतले पतले धागे होते हैं ना, उसकी तरह हो किरणें फूटती, उस किरणों के माध्यम से आवाज आती, उस किरणों के माध्यम से फोटो आता है। तो ऐसे ही वृक्ष जो वट वृक्ष है, ऐसे ही नागर बेल है, वो अपना सूक्ष्म जो उनका हेत जो प्रेम है जो ऊर्जा है वो देती तो पान हरा रहता है। बोलो राम। फिर काफी दिनों तक पान, फिर पान सूख जाता है बाद में, तो काफी समय तक वो रहता है हरा। तो दरिया साहब कहते हैं ऐसे ही सदगुरु दूर है और उनकी करुणा और उनकी कृपा हमारे साथ है, हमारे ऊपर है, तो हम पलवित फलवित हो जाएंगे, हमारा साधन में परिपक्वता आ जाएगी, साधना साकार हो जाएगी, परिणाम स्वरूप परमात्मा का दर्शन होने लगेगा,
सपने में हुआ, सपने में होते 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 कभी 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 बार भी दिखाई देंगे, झलक एक झलक परमात्मा की। बाड़ी मेहनागरी तो पान देशांतर जाए, जो वे सूखे बेलड़ी तो पान वहां बिन साए। बेल सूख जाएगी तो पान भी सूख जाएंगे, पान बेल से बिछड़े परदेशा रस दे। जन दरिया हरी आ रहे उस हरी रे बेल के हेत, दरिया हरी बेल के पान बेल से बिछड़े परदेशारस देत, पान बेल से बिछड़े परदेशारस देत। जन दरिया हरिया रहे उस हरी रे बेल के हेत, दरिया हरी बेल के परदेशा फिरे अंड धरे धर्मा। कुंजी समुद्र के किनारे रहती है जैसे मान लो, और वहां अंडे देती है, अंडे देकर के हजारों किलोमीटर विश्व में घूमती कुर्जें जो होती है एक ही साथ। उनका मन कहाँ है, अंडा तो दिया है हजारों किलोमीटर दूर, अब वो उनको कौन दूध पाएगा, कैसे परिपक्व होगा, तो उनकी सुरती रहती है। ऐसे ही साधक को चाहिए कि अपनी सुरती
परमात्मा में रखे, अथवा परमात्मा हमारे हमारे को याद करते हैं। वास्तव में भाई सही बात है, क्योंकि ये तमाम प्रपद्यन्ते तांस्तथा भजाम्यं। भगवान कहते हैं जो मुझे जैसा भजता है मैं उनको वैसे ही भजता हूं। अथवा सदगुरु शिष्य में पकाते हैं शिष्य को, सुरत रहती है, अथवा शिष्य की सुरत सदगुरु में रहती है, कोई भी परिपक्व हो जाता है, अथवा गुरु शिष्य को याद ही कर लेते हैं, सिर्फ ओनली रिमेम्बर, तो भी बेड़ा पार। गुरुजे कितनी दूर है लेकिन अपने बच्चों को रक्षा के लिए उनकी सुरति अंडे पर है, अंडे अंडा अपना आप ही फूट जाता है, परिपक्व हो जाता है। आनंद अंड को डाल दे, इसी प्रकार अनहल पक्षी का उदाहरण दिया है, निष्दिन रख है, पाक फूट परिपक्व हुए जब खेच आप दिश ले, पक जाता है अंडा और उसमें से उसके अनहल अनहल पक्षी के जो बच्चा निकलता है, प्रसव काल बच्चा पैदा होता है, वो कजली वन में आकर के घिरता है, गिरता नीचे नहीं पड़ता, वो हाथियों को उठा करके ले जाता है। कितना बड़ा जानवर है, चारों पैरों में चार हाथी उठा लेता, वो एक सूंड में एक पूंछ में छह हाथी एक साथ लेकर के उड़ता आकाश में, और उसका जो भोज्य है खाद्य है वो अपने माँ बाप को देता है। देखो संतों की धारणा गजब है, ये इसको हम असंभव मानते हैं और ये भी मानते हैं ऐसी कोई कपोल कल्पित बातें हैं, कानल बक्श इतना बड़ा कैसे होता। अरे संसार में बहुत बड़े बड़े जानवर है, समुद्र में भी अपन देख नहीं पाते, इतने इतने जानवर होते हैं उनका नाम नहीं जानते, ये सत्संग भवन है, इतना इतने बड़े बड़े होते हैं, ऐसे भी जानवर होते हैं, वो निकलते नहीं, उनके ऊपर से भाग दिखता है और पानी में अंदर 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 रहते हैं वो, फिर कभी कभी ऊपर आते हैं। तो ऐसे जानवर जो होते हैं जाज जंगी जाज को भी उल्ट देते हैं वो, इसलिए बड़े बड़े स्टीमर वाले जाजे जो है उन जाजों के नीचे टिक के भाले रखे जाते हैं, तो कोई जानवर आएगा तो उसके वो भाला घुसेगा उसके अंदर तो भाग जाएगा, इसलिए उनको रखनी पड़ती। इतनी महिमा है हमारी सूरत की, सूरत देखी आप गिरे गुरु सागे दूजा नहीं आवे दाय। सूरत देखी आप की ओ गुरा सा दूजो ने आवेदा, सूरत देखी आप की लगन हुए, ऐसा सद्भाव हो आस्था हुए, लगन लगन सब को ही केवे मारी
चाहवे छो ओ लगन लगन सब को ही कहे हेली मारी लगन कहावे छो और नारायण जान लगन में ऐसी लगन लगे ऐसी धारणा हो स्वतः शिष्य की रक्षा गुरु माधव भगवान राम जी महाराज उनकी रक्षा करते हैं। तो अब हो गया समय, इतना ही कहकर ये श्री शब्दों का विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम आनंद भाव के साथ भगवान नाम कीर्तन करें और सुने खुद का राम राम बोलो रे।